गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू जनरल इंग्लिश कोर्स में क्लास टू में। ओके स्टार्ट नाउ। चैप्टर नंबर 20 ड्यूअल्स और एजेंट नाउन। बच्चों एजेंट नाउन मतलब कि क्या होता है इसमें कि पर्टिकुलर आप किसी भी एक्शन वर्ड में ER, R और टू एक्स्ट्रा वर्ड आप ऐड करने से परफॉर्मर्स अ पर्टिकुलर वर्ड। ओके जो पर्सन्स हमें गेट पर्सन्स और थिंग्स दैट परफॉर्मर्स एंड पर्टिकुलर वर्ड। ओके तो बच्चों आपको इसमें अच्छे से समझ में तभी आएगा थोड़े एग्जांपल आप करोगे। ओके लाइक देखो आप ये वर्क है, ये वर्क मतलब के एक्शन वर्क है। ओके एक्शन वर्ड है वर्क मतलब कि कुछ भी क्रिया करना काम करना। ओके उसमें हमने यहाँ पर देखो ER को लास्ट में पीछे ऐड कर दिया है। वर्क में ER ऐड करने से क्या बन गया बच्चों वर्कर। ओके मतलब कि काम को करने वाला। ओके वर्कर तो ऐसे ही हम समझेंगे। ओके नाउ देखो फर्स्ट मैं हूँ टीचर। ओके मैं टीचर हूँ ना तो देखो यहाँ पर मैं आपको क्या करवाती हूँ टीच करवाती हूँ तो ये एक्शन हुआ टीच। ओके उसमें हम मैंने यहाँ पर ER ऐड कर दिया टीचर के पीछे ER ऐड कर देंगी तो बन जाएगा टीचर मतलब कि पढ़ाई करना है टीच। ओके ये काम है। ओके उसको मैं ER करने से हम ये काम जो करता है उस व्यक्ति का नेम मिल जाता है ना टीचर। ओके टीच तो टीचर अंडरस्टैंड बच्चों। तो चलो हम फिर से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 20 ड्यूअल्स अदर और एजेंट नाउन। ओके तो समटाइम्स बाय एडिंग ER, R और ओके क्या बोल रहे हैं कि कितनी बार हम ER, R और OR टू एन एक्शन वर्ड वी गेट अ पर्सन और थिंग दैट परफॉर्मेंस अ पर्टिकुलर वर्ड मतलब कि हम कितनी बार ऐसे एक्शन वर्ड के पीछे ER, R और OR को लगा देते हैं ऐड कर देते हैं तो हमें उस पर्सन अदरवाइज चीज जो उसकी वर्क करता है ओके उस परफॉर्मेंस अ पर्टिकुलर वर्क वो पर्टिकुलर काम को वर्क करने वाला व्यक्ति का नेम बन जाता है। ओके तो फॉर एग्जांपल बाय एडिंग ER टू द एक्शन वर्ड टीच। अभी क्या बोल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर टीच के पीछे ER ओके टीच है। ओके जो एक्शन वर्ड है तो उसके पीछे ER लगाने से हमें क्या मिलता है वी गेट द वर्ड टीचर। ओके टीच के पीछे ER ऐड करने से देखिए यहाँ पर टीच लिखा है फिर मैं इसके पीछे ER ऐड कर दूँगी क्या बन गया बच्चों टीचर क्या बन गया टीच विच मीन्स अ पर्सन हु टीचेस। ओके जो पर्सन हमें पढ़ाता है। ओके अंडरस्टैंड बच्चों चलो तो हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 1 राइट अगेंस्ट ईच एक्शन वर्ड्स द पर्सन हु परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर एक्ट। ओके यहाँ पर क्या बोला है कि राइट अगेंस्ट मतलब कि एक्शन वर्ड के पीछे आपको पर्टिकुलर पर्सन परफॉर्म करने वाला पर्टिकुलर एक्ट करने वाला बन जाता है वर्ड तो आपको एडिंग करना है। ओके जैसे ए है तो एड ER यहाँ पर ER ऐड करना है टू द फॉलोइंग एक्शन वर्ड। ओके यहाँ पर वर्क है तो ओके यहाँ पर वर्क के पीछे ER ऐड करना है। ओके क्या ऐड करना है ER ओके बहुत इजी है बच्चों तो यहाँ पर WOR के वर्ड तो वर्कर काम करने वाला वर्कर। ओके काम तो काम करने वाला वर्कर। ओके यहाँ पर प्ले के पीछे हम यहाँ पर प्ले लिख दूंगी मैं। ओके आप भी मेरे साथ लिखती जाइए और ER ऐड कर देना है क्या ऐड करना है यहाँ पर ER तो क्या बन गया प्ले तो प्लेयर है ना क्या बन गया प्लेयर। फिर सिंग
सिंह लिख दूंगी पहले, एस आई एन जी सिंह, और फिर इसके पीछे क्या ऐड करना है, ई आर, तो ई आर ऐड कर दूंगी, तो क्या बन गया, सिंह तो सिंगर है, गाना तो गाने वाला है ना, तो सिंह सिंगर, हंट ओके, एच यू टी हंटर ओके, हंटर मतलब कि शिकारी है ना, फिर फाइट, फाइट है तो इसके पीछे एफ आई जी एच टी ई आर लगा देंगी तो फाइटर ओके, क्या बन गया बच्चों, फाइटर। फिर यहाँ पर है किल, तो यहाँ पर किल है तो किल के पीछे ई आर लगाने दीजिए, किलर ओके, किल तो किलर। फिर नेक्स्ट सेवन नंबर है स्पीक, तो यहाँ पर स्पीक, स्पीक तो स्पीक के पीछे ई आर लगा दूंगी मैं, ऐड कर दूंगी ई आर, देखो यहाँ पर मैंने ई आर लग दिया है, तो स्पीक तो स्पीकर ओके। यहाँ पर पेंट, तो यहाँ पर पेंटर ओके, ई आर लगा दिया मैंने, पेंट तो पेंटर। फिर ओवन ओके, तो ओनर ओके, ओनर समझ में आया, ओनर। फिर नेक्स्ट बिल्ड, तो बिल डर ओके, समझ में आया, हेल्प तो हेल्प हमें वही करता है कौन, हेल्पर होता है ओके, हेल्पर ओके। नेक्स्ट स्वीपर, स्वीप तो यहाँ पर ओनली आपको इस वर्ड के पीछे, एक्शन वर्ड के पीछे ई आर ऐड करना है, मतलब कि स्वीप के पीछे स्वीपर ओके। तो यहाँ पर वर्क, वर्कर, प्ले प्लेयर, सिंग सिंगर, हंट हंटर, फाइट फाइटर, किल किलर, स्पीक स्पीकर, पेंट पेंटर, ओवन ओनर, बिल्ड बिल्डर, हेल्प हेल्पर, स्वीप स्वीपर ओके। अंडरस्टैंड बच्चों, अभी नेक्स्ट है बी पार्ट में जाएंगे हम ओके। यहाँ पर देखो बच्चों, ऐड आर टू द एक्शन वर्ड विच एंड विथ ई ओके, क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक्शन वर्ड के पीछे आर ऐड करना है, क्या ऐड करना है, आर, ई तो है यहाँ पर एक्शन वर्ड के पीछे विथ ई के साथ में आर ऐड करना है। तो यहाँ पर देखो ड्राइव, तो ड्राइव के पीछे ई है तो ई के साथ हमें क्या ऐड कर देना है, आर, तो क्या बन गया ड्राइव, तो ड्राइवर ओके, ड्राइव करने वाला क्या होता है, ड्राइवर ओके। तो इससे ही ब्राइट, ब्राइट मतलब कि लिखना, तो ब्राइट आर ऐड कर दूंगी, मैंने आर ऐड कर दिया तो ब्राइटर, क्या बन गया बच्चों, ब्राइटर ओके। नाउ नेक्स्ट मैनेज है ओके, तो यहाँ पर मैनेज, मैनेज करने वाला कौन होता है बच्चों, तो मैं आर यूज ऐड कर दूंगी, तो मैनेज मैनेजर ओके। फिर व्यू, व्यूअर ओके, व्यू वर ओके, आर ऐड कर देना है ओके, ओनली क्या ऐड कर देना है, आर। रूल है तो रूलर ओके। फिर नेक्स्ट वैल्यू, तो वैल्यूअर, वैल्यू आर ओके। फिर मेक, तो मेकर, कुछ भी चीज़ बनाते हैं, मेक, मेक मतलब कि बनाना ओके, तो मेकर ओके। फिर यूज, यूज मतलब के यूज़ करना होता है ओके, यूज़र ओके, यूज़ तो यूज़र। फिर लव, तो एल ओ वी ई आर, आर ऐड कर दूंगी, लवर ओके। फिर स्ट्राइक, तो स्ट्राइकर ओके ओके, अंडरस्टैंड बच्चों। फिर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम एग्जामिनर ओके, मतलब के एग्ज़ाम देने वाला ओके, एग्जामिनर ओके। फिर डांस, तो डांसर ओके, डांसर। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर देखो
सी पन है, डबल द लास्ट लेटर ऑफ द एक्शन वर्ड एंड ई आर. ओके, यहाँ पर डबल द लास्ट लेटर मतलब कि लास्ट लेटर को डबल करना है और फिर ई आर एड करना है. समझ में आया बच्चों? डबल द लास्ट लेटर एक्शन वर्ड को डबल करना है और फिर ई आर एड करना है. देखो यहाँ पर बच्चों, फर्स्ट है वीन, वीन है. ओके, तो एन को दो टाइम लिख दिया है, वीन विंग, फिर ई आर कर देना है. ओके, चलो यहाँ पर है स्पिन, तो एस पी आई एन और डबल एन ई आर. क्यों? क्योंकि एन को डबल करना है. ओके, देखो यहाँ पर है, फिर है नेक्स्ट विन, तो विनर, स्पिन तो स्पिनर, रो तो रोबर. ओके, बी, बी को डबल बार लिखना है टू टाइम और ई आर रोबर. ओके, फिर कटो कटर. ओके, मतलब कि सीन एस आई एन और एन को सेकेंड टाइम लिखना है, फिर ई आर एड कर दें सीनर. ओके, पी कंट्रोल, तो सी ओ एन टी आर ओ डबल एल, क्योंकि एल को डबल करना है, कंट्रोलर. ओके, समझ में आया? ओके बच्चों, फिर बिगिन, बिगिनर. ओके, ओके, अंडरस्टैंड बच्चों? फिर रन है, तो आर यू एन डबल एन कर देना है, रनर. ओके, ई आर एड करना है. फिर सोप, तो पी डबल बार कर देना है. ओके, फिर ई आर. ओके, सुपर. फिर स्विम, तो स्विमर, स्विम तो एम को डबल कर देना है, फिर ई आर. ओके, स्विमर. फिर ट्रैवल, ओके, एल डबल बार. ओके, ट्रैवलर. ओके, फिर है स्किप, तो स्किपर, ओके. फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर डी है, एड ऑल टू फॉलोइंग एक्शन वर्ड. ओके, क्या करना है बच्चों? एड ऑल टू फॉलोइंग एक्शन वर्ड, यहाँ पर ओ आर एड करना है. क्या ऐड करना है बच्चों? ओ आर यहाँ पर लिखा ही है. ओके, तो एक्ट है तो एक्टर. ओके, विजिट है, यहाँ पर ओ आर एड किया है, तो एक्ट ए सी टी, यहाँ पर ओ आर एड कर देना है. एक्टर, विजिट टू, यहाँ पर क्या ऐड करना है? विजिट लिखा मैंने, सेम और ओ आर. ओके, तो विजिटर. ओके, क्या बन गया? विजिटर. फिर कलेक्ट है, तो कलेक्ट लिख दिया मैंने ओ आर, तो कलेक्टर. ओके, कलेक्टर. फिर सिलेक्ट है, सिलेक्ट तो मैंने क्या ऐड कर दिया? ओ आर, तो सिलेक्टर. ओके, फिर वेंड, तो वेंड के पीछे ओ आर ऐड करने से वेंडर. ओके, फिर इंस्पेक्ट, तो इंस्पेक्टर बन जाएगा. क्या बन जाएगा बच्चों? इंस्पेक्टर, टी ओ आर. ओके, इंस्पेक्टर. ओके, फिर है गवर, आर ओ आर ऐड कर देना है, गवर एन, सॉरी बच्चों, जी ओ वी ई आर एन, फिर ओ आर, तो गवर्नर. ओके, फिर है सी ओ एन टी, कॉन्ट्रैक्ट,
तो यहाँ पर ओ आर ऐड करने से कॉन्ट्रैक्टर, ओके, फिर डायरेक्ट, तो डायरेक्टर है ना, मूवी बनाता है ना, डायरेक्ट तो डायरेक्टर, ओके, फिर कंडक्ट तो कंडक्टर, बस कंडक्टर होता है ना बच्चों, कंडक्टर, ओके, फिर सेलर, सेल तो ओ आर सेलर, ओके, नेम लास्ट में प्रोसेसर, ओके ओके अंडरस्टैंड बच्चों। अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ओके, यहाँ पर राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब चूज योर आंसर फ्रॉम द वर्ड गिवन इन द बॉक्स, ओके, नाउ यहाँ पर आंसर हमें ये बॉक्स में से चूज करके राइट करना है, लिखना है, ओके, बाय है, ओके, बाय तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा बच्चों, यस, बाय मतलब कि खरीदना, तो बाय के सेलर, ओके, हमें यहाँ पर देखो बच्चों क्वेश्चन 2 है, राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब के अपोजिट वर्ड को लिखना है, ओके, नाउ अंडरस्टैंड बच्चों, यहाँ पर चूज योर आंसर फ्रॉम द वर्ड गिवन इन द बॉक्स, ओके, अपोजिट वर्ड लिखना है, ओके, देखो यहाँ पर लिसनर, बोरोवर, फॉलोवर, रिसीवर, लूजर्स एंड सेल, ओके, हम लिखते जाएंगे और इसके मीनिंग समझते जाएंगे, ओके, नाउ फर्स्ट है, ये फर्स्ट है बायर, बायर मतलब कि खरीदने वाला, ओके, बायर मतलब कि खरीदने वाला, तो इसके अपोजिट वर्ड क्या होगी, सेलर, ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे सेलर, ओके, कोई बेचेगा तो ही खरीदने वाला होगा ना, तो बायर सेलर, ओके, फिर सेकेंड है लीडर, ओके, लीडर मतलब कि लीडर होता है ना, नेता, ओके, वक्ता होता है, तो लीडर का फॉलो करने वाले फॉलोवर्स, ओके, तो ये फॉलोअर्स, ओके, लीडर होता है कोई भी, तो उसके पीछे फॉलोअर्स, उसकी वो जो बोलता है वैसे ही करने वाले होते हैं, तो उसे फॉलोअर कहते हैं, ओके, फिर है विनर, ओके, विनर है, कोई भी विनर है, विजेता है, तो हारने वाला भी होता है ना, तो विनर, तो लूजर, ओके, एल ओ एस ई आर, ओके, लूजर मतलब कि ये सेलर फर्स्ट, बायर सेलर, लीडर ये फॉलोअर, ओके, विनर तो ये लूजर, ओके, फिर है सेंडर, सेंडर मतलब कि प्रेषक, कोई भी भेजने वाला, कुछ हम सेंड करते हैं ना, मैसेज सेंड करना मतलब कि सेंडर, ओके, तो उसे मैसेज रिसीव भी करना होता है ना, सेंडर तो रिसीवर, ओके, सेंडर मतलब के भेजने वाला, ओके, तो रिसीवर, ओके, सेंडर रिसीवर, आर ई सी आई वी ई आर, ओके, रिसीवर, ओके, ये 4 नंबर है का, फिर स्पीकर, स्पीकर मतलब के बोलने वाला होता है ना, स्पीकर मंच पे जो बोलता है स्पीकर, तो सुनने वाले होते हैं लिसनर, ओके, तो स्पीकर लिसनर, ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिसनर, ओके बच्चों, समझ में आ रहा है, ओके, फिर लेंडर, ये क्या है बच्चों, लेंडर मतलब कि मनी, जो हम पैसे, ये है लेंडर, ओके, लेंडर मतलब कि पैसे ऊंची से देना, ऋण पे देना, ओके, तो लेंडर, तो बोरोवर मतलब कि ब्याज से पैसे लेने वाला, ब्याज से ऋण से पैसे देने वाला है, तो ये लेने वाला बोरोवर, ओके, तो नाउ बी ओ डबल आर ओ डब्लू ई आर, ओके, अंडरस्टैंड बच्चों, लेंडर और बोरोवर, ओके, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में राइट अगेंस्ट ईच एक्शन वर्ड्स द थिंग्स यूज टू परफॉर्म द रिलेटेड एक्शन वर्ड, ओके, तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक्शन वर्ड है, ओके, उसके परफॉर्मेंस के आधार पे हमें लिखना है, करना है, ओके, ये नाउ नेक्स्ट शुरू करते हैं, मिक्स, मिक्स है तो
तो मिक्सर ER ऐड किया है, तो यहाँ पर कूल है, तो हम कूलर, कूल से कूलर क्या बनेगा बच्चों, कूलर, ओके, तो ER, ओके। फिर हैंग है तो हैंगर, ओके, HANGER, ओके। बच्चे समझ में आ रहा है, लाइट तो लाइटर, LIGHTER, लाइट है तो लाइटर। फिर बॉयल है तो बॉयलर, ओके, BOILER, बॉयलर, ओके। फिर है, फिर नेक्स्ट इरेज है तो इरेजर, ओके, इरेजर, ओके। नेक्स्ट शर्ट है तो यहाँ पर कंटेन है तो कंटेनर, ओके। फिर नेक्स्ट वाइप है तो वाइपर, ओके। फिर है कुक तो कुकर, ओके। प्रिंट है तो प्रिंटर, ओके। बच्चों समझ में आ रहा है, ओके। फिर नेक्स्ट हीट है तो हीटर। फिर नेक्स्ट रब है तो रबर, ओके। फिर लोक है तो लोकर, ओके। फिर स्ट्राइक है तो स्ट्राइकर। फिर नेक्स्ट है स्टिक है तो स्टिकर, ओके। अंडरस्टैंड बच्चों, तो ये आपको पूरा होमवर्क कंप्लीट कर देना है, ओके। नाउ टेक केयर, सी यू अगेन, बाय बाय चिल्ड्रन।